ये जो लोग हैं जो यूएई के, हाँ अब बंदर पे बंदर बनाए चले जा रहे हैं उनके। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। कुछ मतलब मूर्तियां लगाते हैं इनके, बड़े जालिम लोग हैं। कैसे अपने अपने कंधे पे रख के मूर्ति लगाते हैं। जली ना तेरी भी जली ना। तो शुरू हो गया ना, और कितना शानदार है। मैंने मंदिर बना बना के उनको दे रहे हैं, जबकि हम तो मंदिर को तबाह करने वाले लोग हैं। क्या क्या बोला? जबकि हम तो मंदिर को तबाह करने वाले लोग हैं। समझ रहे हो? जबकि हम तो मंदिर को तबाह करने वाले लोग हैं। अरे वाह चाचा, यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। और नहीं तो क्या? ये लोग ये लोग बनाने वाले बन गए। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान पे चढ़े पाकिस्तान। नाज़रीन बात करेंगे आज भारत की। मगर क्यों? भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देते हैं। कंट्रोल। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत की जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। नो। तो पाकिस्तान के की जो पंथियां हैं वो भारत की सुरक्षा एजेंसी जरूर खोलेंगी, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये सब भाषा समझ में नहीं आती दोस्तों। ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, इसका सबूत क्या है? कि डिसेंसी की भाषा, शराफत की जबान, ये पाकिस्तानी पंजाबियों को खास तौर से लाहौरियों को समझ में नहीं आती। इसका सबूत ये है कि भारत में इस वक्त आजादी की 67 तहरीकें चल रही है। मैं नहीं मानता। 67 तहरीकें चल रही है। बस कर कांटू। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। एक तरफ तो ये पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान के ऊपर रोड पे निकल आए थे कश्मीर के लिए, और उसी दिन उसी समय टीटीपी वाले बम धमाके करके जश्न मना रहे थे, और पाकिस्तान की नंबर वन आर्मी अखरोट तोड़ रही थी। फिर ये फिजा चीख चीख के कहती है मेरी नंबर वन आर्मी। दुनिया की नंबर वन आर्मी है, नाकाबिले शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है। भारत की जानिब से कश्मीर पर गासिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौमे यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 को ऐसा क्या हुआ था? 5 ही तारीख को क्यों? पता नहीं। कश्मीर डे पे आपकी रैली का मकसद क्या है? मकसद है अब्बू से हलाला। एक तरफ तो ये आसमानी कौम पूरे पाकिस्तान को बंद करके कश्मीर को आजाद कराने के लिए सड़कों पे निकल गए, रोड पे निकल गए, और आज से नहीं निकल रही है, 1990 से इनका तमाशा जारी है। भारत ने आज से 76 बरस पहले जबरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर तसल्लुत कायम किया। अच्छा, डेरा इस्माइल खान में थाने पर हमला कर दिया गया, 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। अल्लाह तौबा। के बलोचिस्तान के बिल्कुल साथ ही डेरा इस्माइल खान है, वहाँ पे भी फोर्सेज के ऊपर अटैक किया गया है, 10 से ज्यादा लोगों की जाने गई है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उस दुनिया की नंबर वन फौज को भी ऐसे ठोकते रहते हैं, आए 4 थप्पड़ लगाए पाकिस्तानी आर्मी को, वापस चलेगा। पाकिस्तानी आर्मी ऐसे बावले की तरह देखती रहती है, कहां से मिसाइल आई कहां से गई। अरे सर क्या बात है, ये वही हॉस्टल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है। बेसिकली पाकिस्तानी जो है सिर्फ अपनी फौज ट्विटर पे चला सकते हैं। तालिबानियों ने पाकिस्तानियों की पतलून गिली पीली ढीली पता नहीं क्या क्या कर रखी है। वहीं फिजा खान की फटके फ्लावर हो गई है, चलो मजे लेते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में और भी तेजी से काबिज होते नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। वाह भाई वाह। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। इंडिया का शॉर्ट टर्म बजट क्या आया के रॉयटर्स तक पर धूम मच गई। भारत ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। भाई क्या कहने? आज हर अफगानी जो है जय इंडिया जय भारत के नारे लगा रहे हैं। जली ना तेरी भी जली ना। अल्लाह तौबा तौबा तौबा।
जब मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर दोबारा से शराब चालू की तो आपको पता है सबसे पहले इस्लाम किन लोगों का खतरे में आया? कन्वर्टेड मुसलमानों का, जो कि है पाकिस्तानी। हालांकि बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में अगर किसी का इस्लाम आया वो है पाकिस्तानियों का। क्या वजूहत है कि इंडिया इंडिया और इंडिया ही छाया हुआ है हर जगह, इसकी वजह क्या है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये फैसला करा है कि रियाद में शराब बिकेगी। वाह भाई वाह। इंडियन जितना भी है ना, आप किसी मुल्क में जाए वो नेशनल सोच का मालिक है। लो भैया, सबसे कट्टर इस्लामी मुल्क भी काफिर हो गया। आई हैव अ स्मॉल ग्लास ऑफ वाइन वंस इन अ व्हाइल, नॉट टू बैड, नॉट टू बैड, सुभान अल्लाह, लुक एट हाउ द टर्मिनोलॉजी हैज चेंज्ड। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? जावलक ने तो शराब बंद कर दी थी, लेकिन फौज में फिर शराब शुरू है। क्या बात है। और अब क्या करेंगे, ऊंट के ऊपर फ्रिज लगाएंगे। मुझे ऊंट के ऊपर फ्रिज लगेगा, ऐसे चल रहे ऊंट के ऊपर। अभी भी एक बडवाइजर तो दो। अल्कोहल हराम है या हलाल? हराम है। हराम है ना? नहीं। हराम है। हराम है ना? मैं नहीं मानता। इतना हल्का इस्लाम है इनका, जरा जरा सी बात पे खतरे में आ जाता है। और हमारे मुल्क के अंदर शराब भी अलाउ है, हर चीज होने के बाद भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे। आज इंडिया भी हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश भी आगे चला गया, अफगानिस्तान भी आगे चला गया। ऐसी कौम है जो पहले जाके नमाज पढ़ती है फिर घर आके यही लोग शराब पीते हैं, पाकिस्तानी ऐसी कौम है। हाँ भाई हाँ। शर्मिंदगी है हमें मुसलमान होने पे भी। हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरेबिया ने नए कानून लेके आया है, अल्कोहल इंपोर्ट करेंगे फॉर द डिप्लोमेट्स। सऊदी अरब ने बोला चीयर्स हबीबी। नॉन मुस्लिम कंट्रियों के एक मुस्लिम कंट्री को खरीद सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती है। क्या बात, ये बात है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए। हाँ। और वो काम कर रहे हैं। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। तुम पुकारते रहे कि हम मुसलमान हैं, क़िबला अव्वल के महाफिज हैं, रसूल खुदा के जानिसार हैं, हम नारे तकबीर बुलंद करके मोबाइल बंद करते रहे। इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है, अफगानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। हमारे कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात। आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है। अब भारत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहते हैं। आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहते हैं। फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राधी साजिश है, इंडिया की जो लाभी है साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हैं, लाभी और हाबी। उसकी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रही, नहीं हुए कमजोर हम। पाक फौज हो सिविल हुकूमत हो, वो अब भी दुश्मन कुवतों के खिलाफ दीवार बन के खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। पाकिस्तान का हमारा अगले 10 साल में जो बच्चा पैदा होना है, अभी पैदा होना, वो भी कर्जाई है। अरे बच्चों, यही तो कयामत है। क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के साथ? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है। इतना बेटे हम मुसलमान है, हमारी ताकत है। कौन सी ताकत है? हमारे कलमे की ताकत है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। ताकतवर अल्लाह के हुक्म से हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा है, हम ताकतवर हैं। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। चार जंगे लड़नी है, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। तू नहीं सुनेगा। मुसलमान जो है ना ईमान की ताकत से लड़ते हैं जंग। 71 में, 71 में क्या हुआ था, इन्फॉर्मेशन है? 90,000 की फौज वहाँ पे हथियार डाल रही थी। अच्छा, मेरा जिसे मेरी मर्जी के अलावा बेशुमार ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। सीएम योगी आदित्यनाथ की तो वो ये कहते हैं जो औरतों को, वुमेन को तंग करता नजर आएगा, हरास करता नजर आएगा, अगले जोग पे राम नाम सत्या होना उसका लाजम है। ये जो भारत में हो रहा है वो आपके सामने है। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया, या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, और सुने तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच लेगी। कैसे? भाग नहीं पाएगा। वाह 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 योगी जी। उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। क्या बात है सर, राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। एक ही तो दिले कितनी बार जीतोगे।
उधर पॉलिसी ये आ रही है कि जो खवातीन को लड़की को बुरी नजर से देखेगा उसे अगले चौक पे जो उनसे राम नाम सत्या हो जाएगा, मतलब उसे उड़ा देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि औरतें जलसे में ना आए, यही तो कयामत है। ऐसा वजीर आजम आया इमरान खान, पूरी दुनिया में कोरोना आ गया और बर्बाद हो गए, कारोबार बंद हो गए। और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया इमरान खान, पूरी दुनिया में कोरोना आ गया। दिल से बुरा लगता है यार। पहले तो सिर्फ हम हिंदुस्तानी बोलते थे कि पीओके बनेगा हिंदुस्तान, लेकिन अब तो खुद पीओके से आवाजें आ रही हैं, खुद पीओके की आवाम चाहती है कि उनको बनना है हिंदुस्तानी। तो चलो मजे लेते हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, आखिर क्यों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में इस वक्त हड़ताल को एक महीना पूरा होने वाला है। हाँ भाई हाँ। कश्मीर में ये जो कायरा साहब इंसानी हकूक की सूरत हाल बड़ी तश्वीशनाक है कि गिलगित बल्तिस्तान या जो कश्मीर है वो इंडिया का नारा क्यों लगा रहे हैं, वो इंडिया की तरफ क्यों जाने की बात करते हैं, जरा सुनिए। आर पार छोड़ दो, करगिल रोड छोड़ दो, आर पार छोड़ दो। पंजाब रह गया था ये भी कहेगा कि हमें भी आजादी चाहिए। मुल्की सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है और मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है, आपको पता है, महंगाई का तूफान है, मुल्की मईशत की मईशत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है इतने बड़े चैलेंजेस के साथ। पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर हालातों से गुजर रहा है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह जुगाड़िया जमहूरियत रही तो फिर यकीनन कोई भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा। पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड हमने जमहूरिया लगाया ना, ये बहुत बड़ी गलती हमने अपने स्टेट के साथ की है। वाह भाई वाह। बेसिकली अंग्रेज यहाँ से तो चला गया था। अच्छा। हम कहते हैं कि वो हमें आजादी दे के गया था, हमें आजादी दे के नहीं गया था, वो हमारी हरकतों से तंग आके चला गया था। अगर इसी तरह ये लोग खामोशी से बिरयानी खाने में बिजी रहे या मुरूसियत को जमहूरियत मानते रहे तो फिर इनका मुकद्दर ये गुलामी है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। INS सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्र में रेस्क्यू किया है। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। बहुत बढ़िया। आज पूरी कौम मिली जोशो जज्बे से यौम दिफा मना रही है। जब हेल्प 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 की आवाज जो है इंडियन नेवी तक पहुंची तो वो अपने बहरी जंगी जहाज के साथ वहां पर पहुंचे, 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये हमें फख्र है इस पर। भारत देश की आर्मी के जो जुनून जज्बे और वीरता और साहसी कारनामों को देख के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान भी नतमस्तक हो गया है। इंडियन नेवी ने इस पूरे एरिया में, आपके लाल सागर के एरिया में और पूरे इस गल्फ के एरिया में इंडियन नेवी ने अपनी धाक जमा दी है। हाँ भाई हाँ। इंडिया की नेवी जो है वो काफी तरक्की कर गई है। वाह भाई वाह। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज्यादा कमियां कितनी हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। सबको बचाने का काम इंडियन नेवी ने कर रखा है, सबको। इंडियन नेवी ये नहीं पूछता अच्छा तुम पाकिस्तानी हो, भागो यहाँ से, नहीं, सबको बचाया है। इंसानियत की बात कर रही है इंडियन नेवी, वहाँ पे इंडियन नेवी खड़ी है। मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने, क्योंकि मेरी अपनी राय है और मैं अपनी राय पे बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। उन्होंने ये काम जो किया है ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। ऐसे तो पाकिस्तान की नंबर वन एंकर मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा हमेशा भारत को कोसती रहती है, लेकिन जब उनके दो आतंकियों को उन्हीं के घर में कोई ठोक के चला जाए तब फिजा खलीफा का विधवा विलाप नेक्स्ट लेवल होता है और ये रो की साजिश होती है। वेलकम बैक नाजरीन। भारत का पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारत खित्ते और बिलखसूस पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। अरे नहीं। हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। इस बंदे के पास सिर्फ एक ही काम है, भारत मोदी भारत मोदी भारत मोदी भारत मोदी भारत 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 मोदी भारत 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 मोदी भारत भारत मोदी भारत भारत मोदी। अरे भाई।
इंडिया के 75th रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडिया का विजिट किया, इसकी वजह क्या है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे है। ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो इंडिया में हमसे ज्यादा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पाकिस्तान की फेमस लेडी एंकर फिजा खान, हलवा पकाओ, उसके खित्ते में एक बार फिर से लगी है आग, और वो भी बहुत भयंकर वाली, जैसे जंगल में आग फैलती है ना वैसी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और सहूलतकारों जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे, उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वाह भाई वाह। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं चला जाए, उसको कोई पानी नहीं पूछता, कुर्सी नहीं पूछता उसको कोई। ये बात सच है। ये कहीं पे जानबूझ के घुस जाते हैं, जैसे पार्टी क्रैश करते हैं ना, फ्री में नहीं होते लोग, कुछ लड़के चले जाते हैं कभी कभी बारात में कि हम बारात के साथ नाश्ते जाओ, खाना खाएंगे हम, फ्री का खाना, शादी में घुस जाते हैं। ये पाकिस्तानी उस टाइप के हैं, बिन बुलाए मेहमान कहीं पे भी घुस गए, फिर तीसरे रो में कोने में इनके प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया जाता है कि बेटा चुपचाप खड़ा रहे वरना बेइज्जती करेंगे सब। पर इंडिया के अंदर हर एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर जा चुका, हमारे यहां पर कोई आना नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। सही बात है। यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करने आएगा ना, उसको ही उड़ा दिया जाएगा। हाय हाय। तो कोई पागल का बच्चा है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं जानता हूँ। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने शवाहिद की बुनियाद पर बेनकाब किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर उंगली उठाई है और बोला है कि भारत जिम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिटीजन्स को भड़काने में। क्या हम अपने किसी भी सेक्शन का, किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? नहीं। नाकाबले तर्दीद शवायती रोशनी में गिरफ्तार किया है। कत्ल में मुलविस टारगेट किलर्स, उनके साथियों और सहूलतकारों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो पाकिस्तान से फरार होने की बकायदा कोशिश कर रहे थे। वाह भाई साहब वाह, क्या स्क्रिप्ट लिखी है फिजा खान ने। तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? तुम्हें तो स्क्रिप्ट राइटर बनाना चाहिए था। मैडम की टाइमिंग तो देखो, फरार होते टाइम पकड़े गए, जब वो एंटर कर रहे थे तब तुम्हारी सो कॉल्ड नंबर वन ISI सो रही थी। आसान शब्दों में बता दूं, हाँ। पाकिस्तान का ये मानना है कि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रखे हैं और मन चाहे पाकिस्तानियों को ये लुढ़काते रहते हैं, ठाठा करते रहते हैं। ये पाकिस्तान का इल्जाम है। आप देखें कि हम जहाँ भी जाते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं, हमारे जहाँ बड़े बड़े स्टाफ जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि भाई इकोनॉमी चलाने के लिए कुछ पैसे दे दो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट, जबकि शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को डस्का में टारगेट किलर्स ने कत्ल किया था। कत्ल किए जाने वाले मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ पुरम शहरी थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत और भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब किया था। मैं पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हूं, साइरस बेटा सुनो मेरी बात। साइरस बेटा, तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी जमीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में, यही कह रहे हो ना, यही इल्जाम है। वो एविडेंस कहां पे है? पता नहीं। आप भारत के साथ शेयर मत करो, आप एक काम करो, आप सारे एम्बेसीज में बांटो ना। पाकिस्तान में अभी भी कुछ एम्बेसी बाकी होंगे जो परेशान नहीं हो गए तुम लोगों की हरकतों की वजह से, तो जाओ वहां पे अमेरिकन एम्बेसी है, वहां पे यूके का एम्बेसी है, वहां पे फ्रांस का एम्बेसी है, वहां पे जितने भी मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं सबके एम्बेसी है, जाओ सबको पकड़ाओ, प्रूफ बोलो भारत ने कराया, बोलो किसने मना कराया तुम्हें। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं है कि मुल्क चला सके। सही पकड़े हैं। आज मैं आपसे पूछूंगा नहीं आपको मजा आया है या नहीं आया, मैं जानता हूँ आपकी नफरत से वाकिफ हूँ मैं, आपको फुल मजा आया। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर कर देना, खास तौर से सेकुलर ग्रुपों में जरूर शेयर कर देना जो पाकिस्तान के साथ में शांति के कबूतर उड़ाना चाहते हैं। अगले संडे एक और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।